अनुभव कुमार पंडाल जी, यात्रा नोडल ऑफिसर पीडीएसओ सुनील कुमार शर्मा जी। इस समय बाबा बुड्ढा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा जो है सुंदरवनी में पहुंच चुकी है। यहां पर हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा सुंदरवनी में एक भव्य स्वागत श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रियों का किया जा रहा है। सेना के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में, धर्म के सम्मान में स्वामी सरस्वती जी महाराज इस समय मंच पर विराजमान हैं। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संख्या भी यहाँ पर आई हुई है। जब मुखी धरा पर पूरे देश से आए श्रद्धालु उतरे तो उन्होंने बावे माता रघुनाथ मंदिर के दर्शन करके अभिभूत महसूस कर रहे हैं और वहाँ से निकले। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का एक हार्दिक जो चित्र स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर यात्रा अभी सुंदरवनी के अंदर पहुँच चुकी है। लगभग यहाँ से एक घंटे के बाद रजौरी के लिए रवाना होगी और वहाँ से बाबा बुड्ढा अमरनाथ चट्टानी के लिए सभी यात्रियों प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर बजरंग दल द्वारा जल और उसके बाद यहाँ सब यात्रा निकलकर सीधा हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज इस समय मंच पर विराजमान हैं और श्रद्धालुगण भक्तजन एवं बजरंग दल के देश प्रसिद्ध कार्यकर्ता, हम आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय जय श्री राम। स्वामी जी महाराज जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इस समय यात्रा पंजाब में पहुंच चुकी है। ये यात्रा जब शुरू की 2005 से तो ये जो विस्तार है यहाँ आतंकवाद चरम पर था, तो यहाँ का जो हिंदू समाज है, यहाँ का जो समाज है उनका मनोबल बढ़े उस दृष्टि से ये यात्रा बजरंग दल ने शुरू की है। जबकि सबको मालूम है 95-96 में बाबा अमरनाथ की यात्रा आतंकियों ने चुनौती दी थी कि ये यात्रा हम बंद कराएंगे, तो उनका भी वो चुनौती का स्वीकार करके 96 में 96 में बजरंग दल ने पूरे भारत से 1 लाख के करीब बजरंग दल के कार्यकर्ता अमरनाथ यात्रा को गए थे। तो आतंकवाद की चुनौती का सामना भी बजरंग दल ने ठाना है, आतंकवाद मिटाना है, ये नारा लेकर बजरंग दल चलता है। और डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ के हिंदू बंधु हमारे साथ है, यहाँ का जो समाज है वो ये यात्रा को इतना हर्षोल्लास से स्वागत करता है, तो ये पूरे भारत के लोग यहाँ आकर
अपने घर जैसा महसूस कर रहे हैं और डरने की कोई बात नहीं है। पूरा भारत पूंछ राजौरी के साथ है और पूरा भारत ये यात्रा को लेकर आ रहा है, तो ये पूरे भारत की ये यात्रा है। भारतवर्ष के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं यात्रा के माध्यम से? ये यात्रा तो है जो पूंछ राजौरी जो भारत का आखिरी हिस्सा है, आखिरी छोर है, वो पूरे भारत के आखिरी छोर को पूरे भारत से जोड़े रखने के लिए यहाँ के समाज को पहुँचा है, भारत के समाज के साथ जुड़े रहने के लिए बनाने के लिए किस तरीके के प्रयास। ये यात्रा देखो चलती रहेगी, दो साल से कोरोना के कारण ये यात्रा बंद हो गई थी, अब फिर जो है प्रारंभ हुई है, बहुत खुशी की बात है क्योंकि देश के कोने कोने से यात्री आते हैं, सबको यहाँ का मालूम पड़ता है और यहाँ वालों को भी बाहर से यात्रा आने पर उत्साह मिलता है और इस यात्रा के माध्यम से हिंदू जो डरे हुए थे वो उनका सब भय खत्म हुआ और बहुत अच्छे से सबके बीच में जो है एक ऐसा समन्वय स्थापित हुआ कि बड़े प्रेम के साथ सब रहने लगे। आशीर्वाद देते हैं सबको। आप कब यात्रा के साथ आप भी बुड्ढा अमरनाथ का प्रदान कर रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ से क्या होता है कि रजौरी में भी प्रोग्राम आज रखा होता है ट्रस्ट की तरफ से, पुंछ भी बुड्ढा अमरनाथ भी, तो सब जगह जाएंगे। देशवासियों का क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को ये संदेश देते हैं कि अधिक से अधिक जो है इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहिए, ये उनकी खुशकिस्मती है और उनकी शोभा है। स्वागत किया गया है यहाँ पर, स्वामी जी महाराज यात्रा का स्वागत करने पहुँचे और इस समय जो जात्रु हैं बुड्ढा अमरनाथ के जात्रु हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर यात्रु श्रद्धालु पहुँचे और जहाँ पर कुछ देर के बाद यहीं से निकलेंगे बाबा बुड्ढा अमरनाथ। इस समय लाइव तस्वीरें आप जम्मू परिवर्तन के माध्यम से देख सकते हैं कि सुंदरवनी के अंदर इस समय एक भव्य स्वागत किया गया है बुड्ढा अमरनाथ यात्रियों का। यहाँ पर आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि बजरंग दल द्वारा यहाँ पर जल पान का इंतजाम भी किया गया है और जिला प्रशासन द्वारा पूरे सुरक्षा के बंदोबस्त के साथ साथ और भी जिस जितने भी प्रकार की यहाँ पर समस्याएं आ रही थी उनका समाधान करते हुए यहाँ पर सुरक्षा बलों की भी बारी तैनाती की गई है। यात्रा को सफल बनाने के लिए हर तरह के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और स्वामी जी महाराज का यह संदेश है कि जितने भी लोग यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के लिए वो आप यहाँ सुंदरवनी आधार शिविर में 15 दिन हम सबको आपके मार्गदर्शन में यहाँ काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा, हम आपका भी दिल की गहराई से अभिनंदन करते हैं। तो देख सकते हैं कि इस समय जो यात्रु हैं वो सुंदरवनी के अंदर पहुंच चुके हैं, उनका एक भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। आप जम्मू परिवर्तन के माध्यम से सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रियों के लिए। ये जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की तरफ से हर प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं और उसके बाद यहाँ पर जो डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर आकर अपना अपना जो स्टॉल है वो लगाया हुआ है। किसी भी यात्री को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, बीपी की प्रॉब्लम्स हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, यहाँ पर हर प्रकार की जो सुविधा है वह उपलब्ध करवाई गई है। जेके फ्रेंड्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारा कल्चर है यहाँ का, ये जो आप देख रहे हैं विजुअल्स के अंदर कितने यहाँ पर तैयार की गई हैं ये टोकरियाँ, हैंडीक्राफ्ट चीड़ निडल हैंडीक्राफ्ट की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि जो यात्रु बाहर से आ रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की
चीज़ों का ये लुप्त उठाएंगे और यहाँ से ये कुछ ना कुछ जरूर जो हमारा कल्चर है, जो डोगरा कल्चर है, उसको भी देखेंगे कि किस प्रकार के यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुंदरवनी की तरफ से ये एक मेडिकल कैंप लगाया गया है और यहाँ पर सर ये लाइव है। और इस समय आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यहाँ सुंदरवनी के अंदर। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक भव्य स्वागत किया जा रहा है सुंदरवनी के अंदर यात्रियों का। सर आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस बूढ़ा अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ के लिए यात्रा के लिए जा रहा है दर्शन करने के लिए बाबा जी के। यहाँ पर किस तरीके से आपका स्वागत किया गया है? बहुत अच्छी तरह से किया, वहाँ भी जम्मू में भी अच्छा था, यहाँ भी स्वागत सच्ची। बीच में आपको समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? नहीं, वो भीड़ ज्यादा थोड़ी थी, वो तो अमरनाथ के साथ होगी तो इसलिए होगी। तो अभी यहाँ पर सब अच्छे से? नहीं, अच्छे से। कोई आपको प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। जी आप कहाँ से? आप कहाँ से? मैं जामनगर गुजरात से हूँ और मैं विश्व हिंदू परिषद में हूँ, जामनगर जिला प्रमुख हूँ। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जब यात्रा पहुँची, किसी प्रकार की आपको समस्या तो नहीं आई? नहीं, कोई प्रकार की समस्या नहीं आई है और हमें बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और सब ने बहुत अच्छी तरह से सब ध्यान रखा है सबका। तो ये थे कुछ यात्रु हमारे साथ जिन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो यात्रा है, यात्रियों को किसी प्रकार की भी समस्या नहीं आ रही है और उनका एक भव्य स्वागत सुंदरवनी के अंदर किया गया है। ये लाइव तस्वीरें सीधा जम्मू परिवर्तन के माध्यम से आप देख रहे हैं और इसी तरीके से आज यहां से यात्रा निकलेगी, उसके बाद नौशहरा के अंदर रुकेगी और उसके बाद 2 बजे यात्रा जोरी पहुंचेगी और वहां से 2 बजे के बाद किसी भी जो यात्री वाहन है उसको पुंछ के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। 2 बजे से पहले ही वहां से यात्रा जो पुंछ के लिए प्रस्थान करेगी। आप देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।